नमस्कार, स्वागत है एक नए वीडियो में। आज हम बात करेंगे रिटेलर्स के एक चाहते स्टॉक IRCTC के बारे में। रिजल्ट अनाउंस हो चुका है क्वार्टरली, उसको भी डिटेल में देखेंगे, टेक्निकल एनालिसिस भी देखेंगे। डिविडेंड अनाउंस किया है 2.5 रुपये का, एंजॉय करिए, एलपेन लिबे खाइए। पहुँचते हैं सीधा, चलेंगे स्क्रीनर पर, बाद में अगर जरूरत पड़ेगी तो रिजल्ट पर आएंगे। स्क्रीनर पर आते हैं सीधा, मोनोपोली है गवर्नमेंट की टिकटिंग की, मार्केट कैप है 54,496 करोड़। स्टॉक स्प्लिट के बाद काफ़ी देर से अटक रहा है, 52 वीक हाई 771 का है, लेकिन इससे भी ऊपर इसने ऑल टाइम हाई बनाया था। क्या करती है कंपनी? केटरिंग में, हॉस्पिटैलिटी में, इंटरनेट टिकटिंग में है, पैकेज ड्रिंकिंग वाटर यानी रेल नीर और तीर्थ यात्रा भी कराती है। सीधा जम करेंगे क्वार्टरली रिजल्ट में। क्वार्टरली रिजल्ट देखेंगे तो इस बार आया है 995 करोड़। अगर आप इसे क्वार्टर क्वार्टर कंपेयर करोगे तो 1,002 करोड़ जून क्वार्टर के एंड में, यहाँ 995। तो क्वार्टर क्वार्टर नंबर वीक है, लेकिन आप ईयर ऑन ईयर देखोगे तो 806 से बढ़ के हो गया है 995 करोड़। तो इंक्रीज है। अगर आप देखोगे ऑपरेटिंग प्रॉफिट में, ये भी 305 से बढ़ के हो गए 367, लेकिन आप क्वार्टर क्वार्टर कंपेयर करोगे तो 343 से 367 जो है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज नहीं हुए, लेकिन हाँ इंक्रीज हुए। रीज़न क्या है इंक्रीज होने का? ऑपरेटिंग प्रॉफिट, लास्ट ईयर में 38% का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन ये इंजॉय करते थे, इस बार इन्होंने 37% के प्रॉफिट इंजॉय किए हैं, जो यहाँ से लगातार डिप हो रहा था 35, 34, 35, अब ये बढ़ के 37 कहा गया है। याद रखिएगा IRCTC के लिए नई टेरिटरी है, वरना इससे पहले आप देखोगे तो 40s और 50s में ये अपना ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन इन्जॉय करते थे, तो वहाँ से नीचे आए हैं काफ़ी, 37% पर हैं। हो सकता है आगे चल के और भी इंक्रीज़ करें, देखना होगा कमेंट्री कैसे आती है इसकी, मैनेजमेंट क्या बताता है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स में देखोगे तो 395 करोड़ है, अब तक का ऑल टाइम बेस्ट है। क्यों? क्योंकि सेल कम होने के बावजूद भी ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन इंक्रीज़ किया है, और ऐसा भी नहीं कि बहुत कम था। सेम कहानी आपको मिलेगी यहाँ, नेट प्रॉफिट में 295 करोड़ है, इतना प्रॉफिट इन्होंने इससे पहले कभी नहीं बनाया था, तो अच्छा रिजल्ट है। EPS में भी इंक्रीज है। अगर हम सीधा चलते हैं इसके इन्वेस्टर्स में, तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जनरली शेयर्स खरीदते बेचते नहीं है, ट्रेडिंग नहीं करते। यहाँ पूरी कहानी है ऑफर फॉर सेल की, वो हो चुका है इसमें। FIIs की देखते हैं, FIIs ने अपनी पोजीशन क्वार्टर ऑन क्वार्टर बढ़ाई है। याद रखिएगा एक टाइम 8% के करीब थे, भी वहाँ से उन्होंने लगातार ट्रिम की, उसके बाद देखिए 6.99 से बढ़ के 7.11, तो एक हल्का सा ही इन्होंने इंक्रीज़ किया है। DIIs देखेंगे तो उन्होंने भी 9.92 से बढ़ा के 10.53 किया है, और 20.68 से पब्लिक ने घटा के 19 किया है। ये सिंबल है, ये एक आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि इस वक्त जो शेयर है वो इस वक्त जो स्टॉक है वो कंसोलिडेशन में है, क्योंकि कंसोलिडेशन में होल्ड करने की हिम्मत जो होती है रिटेलर्स की नहीं होती, तो रिटेलर्स का जो एक ट्रेट होता है कि वो क्विकली प्रॉफिट बना के निकलना चाहते हैं, लेकिन जो बड़े प्लेयर्स होते हैं वो उसको लंबे टाइम तक रखना चाहते हैं। जब आप थक जाओगे तब FIIs और DIIs आके उसमें पोजिशन बनाएंगे। तो यही, अगर आप यहाँ पर रेवेन्यू ब्रेकअप देखोगे तो 54% जो है इंटरनेट टिकटिंग का है, पर याद रखिएगा ये फाइनेंशियल 22 का है, पुराना डेटा है, 54% है, 27% केटरिंग का है, रेलिंग का 9%, टूरिज्म का 8%, स्टेट टीट का 2%। यहाँ अब चलते हैं इस बार के रिजल्ट में, स्क्रॉल करते हैं, आते हैं देखते हैं रेवेन्यू ब्रेकअप में। रेवेन्यू ब्रेकअप आ गया, अगर आप यहाँ देखो जो हमने वहाँ देखा था 995 का, उसको आप जो सेगमेंट रेवेन्यू इसमें जोड़ दिया, अगर आप इसको हटा माइनस कर दिया है, बेसिकली आप इसको आप 100% मान लो, तो 100% में से 43% जो है वो सिर्फ और सिर्फ केटरिंग से आ रहा है। तो जहाँ पहले इंटरनेट टिकटिंग मेजर पार्ट था, अब केटरिंग पार्ट हो गया है, सेकंड नंबर पे आ गया इंटरनेट टिकटिंग जो 32% दे रहा है। उसके बाद देखोगे तो अब रेल नीर कम हो गया है, अब टूरिज्म जो है वो बढ़ गया है 9,655, तो आप समझ लो कि आप 9.6% आ चुका है टूरिज्म। फिर आता है रेल नीर, और जो मेजर जंप है वो तीर्थ यात्रा में है। अगर आप कंपेयर करोगे क्वार्टर ऑन क्वार्टर लास्ट क्वार्टर में, तो 1,192 लाख, ये देखिए लाख में है, तो यहाँ पे इन्होंने इतनी सेल की थी, अब वो बढ़ के आ गई है 6,000 की रेंज में। और अगर आप ईयर ऑन ईयर कंपेयर करोगे लास्ट, तो वो थी ऑलमोस्ट 3,000, वहाँ से डबल हो गई। तो तीर्थ यात्रा में IRCTC क्विकली गेन कर रही है, और आई थिंक ये इस पर और भी कॉन्सेंट्रेट करेंगे, क्योंकि इंडिया में रिलीजियस टूरिज्म जो है वो एक अलग पीक पर है, और इसका फ़ायदा IRCTC उठाती हुई नजर आएगी। चलते हैं हम जोरदार पे, देखते हैं चार्ट IRCTC का। अगर आप देखोगे IRCTC का चार्ट, तो हल्का सा इसमें एक ट्रैक्शन आया है ऊपर की तरफ, लेकिन ये इतना मेजर नहीं है, अभी भी है। अगर आप शॉर्ट टर्म में भी देखो तो यहाँ से इसने लोअर हाई ही बनाए हैं, कंटिन्यूसली लोअर हाई बनाए हैं, तो शॉर्ट टर्म में इतना बड़ा ट्रेंड नहीं है। अगर हम शॉर्ट टर्म में पिवट पॉइंट देख लेते हैं, क्योंकि वो जरूरी है हमारे लिए, तो
पिवट पॉइंट के ऊपर ही है, 674 के ऊपर ही है, और रेजिस्टेंस जो है वो 710 पे बैठा हुआ है, उसके ऊपर 730 पर भी है। सपोर्ट कहाँ है? 640 पे नीचे। अगर आप मूविंग एवरेज लगा लेते हो यहाँ पर, तो मूविंग एवरेज लगाओगे तो आप देखोगे सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो है कि 200, 100 और 50 तीनों ही डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ये ऊपर है। अगर इसको मूवमेंट करना है तो तीनों के ऊपर यहाँ पे इसको और जंप करना है। कल रिजल्ट मार्केट जो आएगा, देखिए जो आपकी एक्सपेक्टेशन मेरी एक्सपेक्टेशन से फर्क नहीं पड़ता, मार्केट की क्या एक्सपेक्टेशन है उस पर फर्क पड़ेगा, किस तरह से वो मार्केट लेता है, किस तरह से बड़े प्लेयर लेते हैं, उनका इंटरेस्ट बनता है। हो सकता है कि कल ये ना भी आए, क्योंकि होता क्या है ना, अब आजकल सब स्मार्ट हो गए हैं, वो जो बड़े प्लेयर्स हैं छोटे प्लेयर्स हैं सब स्मार्ट हो गए, उनको पता है कि कल रिजल्ट का रिएक्शन आएगा तो वो नहीं करेंगे, वो उसके अगले दिन रिएक्शन दिखाएंगे। तो कल अगर ये गैप अप होके, हल्का सा गैप अप होके नीचे आ गए, एक रेड कैंडल बने, तो सरप्राइज मत होइएगा और अगले दिन का वेट करिएगा, यानी परसों का वेट करिएगा। परसों अगर मूवमेंट आता है तो हम समझेंगे कि हाँ बड़ा ट्रैक्शन आ रहा है। अब क्विकली इसको आप लगा लोगे वीकली बेसिस पर, तो वीकली बेसिस पर आप देखोगे तब भी वीकली बेसिस पर भी तीनों मूविंग एवरेजेस से ऊपर है, 50 वीकली, 100 वीकली और 200 वीकली तीनों के ऊपर है। और आप इसको हल्का सा ऐसा एक्सपेंड करोगे ना, तो आपको यहाँ पे कुछ एक हल्का सा छोटे टाइम फ्रेम पे आपको ऐसा वीकली बेसिस पर आपको छोटा सा एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर भी मिलेगा, लेकिन इसका टारगेट जो है वो यहाँ पर पूरा हो चुका है, तो अब इसको फॉलो और ट्रैक करने का फ़ायदा नहीं। लेकिन अगेन 50 वीकली एक्सपोनेंशियल के ऊपर है, रिजल्ट पॉजिटिव आया है। अगर हम इसमें बोलिंजर बैंड का स्क्वीज लगाएं तो देखिए काफ़ी टाइम से ये ऐसे ही नीचे नीचे स्क्वीज कर रहा है, बहुत ज़्यादा ट्रैक्शन नहीं है इसमें। तो एक ये भी मोमेंट है, आप देखोगे वॉल्यूम जो है पूरी ड्राई आउट हो चुकी है, वॉल्यूम यहाँ दिख नहीं रही है, एक टाइम कहाँ इतनी बड़ी बड़ी वॉल्यूम दिखती थी, स्टॉक स्प्लिट जब हुआ था यहाँ पे उसके बाद से लगातार ही नीचे जा रहा है। अगर आप ऑब्जर्व करो, मैं एक हॉरिजॉन्टल लाइन यहाँ से पिक कर लेता हूँ, अगर मैं हॉरिजॉन्टल लाइन पिक करूँ और ये इसका हाई मान लूँ और इसका नेक्स्ट हाई, आप देखोगे कि नेक्स्ट हाई यहाँ पर है, फिर मैं एक और बार पिक करता हूँ, नेक्स्ट हाई लगाऊँ इसका तो यहाँ पर नज़र आएगा, फिर मैं नेक्स्ट हाई पिक करके लगाऊं तो यहाँ पर आएगा, और फिर एक नेक्स्ट हाई में अगर पिक करूँ हॉरिजॉन्टल लाइन से तो वो यहाँ आएगा। तो आप देख रहे हो कि कंटिन्यूसली इसने लोअर हाई ही बनाए हैं वीकली बेसिस पर। अगर इसको मूव करना है, इसको अपना ट्रेंड को रिवर्स करना है, तो आपको पिछले हाई को इसको बीट करना पड़ेगा, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा, फिर लो उसके बाद देखिए फिर लो, तो लगातार नीचे जा रहा है। इसको अपना प्रीवियस हाई बीट करने के लिए जो पहला इसका हाई पॉइंट है ये 760 का, याद रखिएगा 760 के ऊपर वीकली बेसिस पर इसको क्लोज होना पड़ेगा, तब हम कहेंगे कि इसमें ट्रेंड में एक रिवर्सल आ गया है। नहीं आ रहा है तो आप हो सके थोड़ा और कंसोलिडेट करें। तो ये पोजीशन जो है एक्यूमुलेशन की है, अगर आपके पास नहीं है तो आप धीरे धीरे करके करो, मेरे पास थोड़ा थोड़ा है, मैंने थोड़ा थोड़ा एक्यूमुलेट किया है इसको, तो अगर आप एक्यूमुलेट कर पा रहे हो तो वेल गुड, अगर आपके पास बजट है वेल गुड। ये कोई भी बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है, ये मेरी एनालिसिस जो मैं फॉलो करूंगा, आपको अपनी एनालिसिस करनी है दूसरों के एनालिसिस के ऊपर, या उससे बेटर आप कंसल्ट करो फाइनेंशियल एडवाइजर को। तो अगर आप इसको लॉन्ग टर्म में देखो ऐसे, अगर तो ये वीकली बेसिस पर आगे चल के अगर इसने मोमेंटम गेन किया तो ये एक इस तरह से कुछ एक ग्राउंडिंग बॉटम बनने का पैटर्न है, हो सकता है कि बने, कुछ लोग इसको कप पैटर्न भी कहते हैं, उसके आगे कप एंड सॉसर या कप एंड हैंडल बनेगा, वो तो आगे की बात है, वो हमको नहीं पता, बट अगर इसने लगातार अच्छा मोमेंट दिखाया तो ये ऊपर इस तरह से बन सकता है। इसके अलावा हम वीकली बेसिस पे पिवट फिबोनाची भी देखते हैं, तो किस लेवल पे है, तो पिवट के अभी नीचे है, याद रखिएगा वीकली बेसिस पर, तो इसको 700 के ऊपर तो बेयर मिनिमम क्लोज होके वहाँ पे कंसोलिडेट करना पड़ेगा वीकली बेसिस पर, तभी होगा। रिजल्ट अच्छे हैं, मार्केट कैसे रिएक्ट करता है वही जाने, मार्केट होता है सुप्रीम। ये थी एक छोटी सी एनालिसिस IRCTC को लेकर। मैं काफ़ी श्योर हूँ कि जो भी वीडियो देखेगा उसके पास जरूर होगा कि IRCTC रिटेलर्स का वैसे फेवरेट स्टॉक है। कैसे लगी आपको रिजल्ट के एनालिसिस, कैसे लगी आपको चार्ट के एनालिसिस, जरूर शेयर करिएगा। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।